नमस्कार दोस्तों, मैं रवि जांगीर, जांगीर एंटरप्राइजेज ओशिया मशीन से। ये हमारी एयरबैग वाली ओशिया मशीन है, बहुत ही सस्ती मशीन है ये। इसमें हमने प्लग में लाइट लगा दी है, ये देखो लाइट का वायर। ये ओनली आपको कुछ नहीं करना है, केवल लाइट का वायर लगाना है इसमें। ये देखो लाइट वायर लगाने के बाद इंडिकेटर आ जाएगा। ये हमारा मशीन ऑन करने का बटन है, ये वन बटन से मशीन चलती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा आइटम नहीं है जो खराब हो। ये हमारा बबल रिमूवर है और ये हमारा लेमिनेटर है, ये एयरबैग लेमिनेटर है। इसमें एयरबैग द्वारा पंचिंग होती है। हमने MI5 पे मॉडल है ये, इसमें ओशिया लगा दिए। ओशिया लगाते समय इसमें ये डॉट रह गया है, ये देखिए ये डॉट रहा है ओशिया लगाते समय। इस डॉट को छोड़ के आप बाकी देखना कहीं से कोई डॉट रहता है या नहीं रहता है हमारी मशीन में, क्योंकि ओशिया लगाने से अच्छी तरीके से ओशिया लगानी पड़ती है। ये मोबाइल चेक कराता हूँ मैं आपको चालू करके, देखिए कहीं से कोई स्पॉट कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। इसमें ओशिया कंप्लीट लगा रखी है हमने। अब हम इसमें टच लगाएंगे, एक्स्ट्रा पन्नी को पहले हटा देंगे। ये हमारा टच है MI5 का, इसको पहले ऊपर की साइड से बिठाएंगे हम, बिल्कुल सही। और धीरे धीरे फ्रेम पे रख देंगे, सेंटर में पुश करेंगे हल्का सा, ये टच हो जाएगा। इसके बाद में हम फोल्डर को निकाल लेंगे, दबाना नहीं है कहीं से भी हमें। इसको इस प्रकार से रखेंगे इसमें, और ये हमारा लेमिनेटर है, लेमिनेटर में इसको इस प्रकार से रख देंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें बटन को ऑन करेंगे। बटन ऑन करने से पहले एयरबैग का जो बटन है ये ऑन रहेगा और पंचिंग का बटन है ये ऑफ रहेगा। देखिए पंचिंग का बटन ऑफ रहेगा, एयरबैग का बटन ऑन रहेगा और मशीन को ऑन कर देंगे। ये देखिए आप, वैक्यूम स्टार्ट हो गया हमारा। इसको -700 तक लेके जाएंगे हम, -25 ये है, इससे नीचे ये 700 आ रहा है, 700 तक वैक्यूम लेके जाएंगे। उसके बाद पंचिंग का बटन है, पंचिंग का बटन ऑन करने से पहले एयरबैग को ऑफ करेंगे। ये देखिए आप वैक्यूम, देखिए 700 क्रॉस कर गया हमारा वैक्यूम। 2-4 सेकंड और चलने देंगे हम वैक्यूम को। ये देखिए आप, वैक्यूम पूरा बन गया है मशीन में हमारे। अब हम एयरबैग को करेंगे ऑफ, और अब देखिए आप पंचिंग को,
ये पंचिंग का बटन है, इसके द्वारा हम पंचिंग करेंगे। देखिए यह पंचिंग हुई है हमारी, फोल्डर को निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए आप, ये पंचिंग हुई है, हल्के हल्के डोट रहे हैं केवल इसमें पंचिंग में, बाकी सारे फोल्डर में अब बबल रिमूवर में डालेंगे हम इसको। ये देखिए अब इसको हम बबल रिमूवर में डालेंगे। ये हमारा बबल रिमूवर है, इसमें हम एक बार में 10 फोल्डर भी डाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, जैसे काम एयरबैग ऑन रहेगा, पंचिंग ऑन रहेगी, एयर रिलीज को करेंगे ऑफ और हल्का सा पुश करेंगे अपनी तरफ। ये हमारा एयर प्रेशर स्टार्ट हो गया है, देखिए बहुत ही कम समय में ये फोल्डर तैयार करती है। ये मात्र 5 से 7 मिनट लेती है जिसमें हमारा फोल्डर तैयार हो जाता है। और ये हमारे साथ वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं, आप देखिए इनको भी, ये हमारे लाइव वीडियो देख रहे हैं मशीन का। हमारा प्रेशर 50 क्रॉस कर चुका है, देखिए आप 50 क्रॉस कर चुका है, 60 पे जा रहा है। सॉफ्टवेयर करता है इस मशीन को, हमें 70 पे बंद करना रहता है, हार्ड रिसेट मार देता। यदि कोई मशीन चला के भूल भी जाता है और चलाकर बबल रिमूवर में प्रेशर बना हुआ है और मशीन चला के भूल गया है, तो मशीन में हमने ये सेटअप दे रखा है, ये ऑटोमेटिक अपना प्रेशर लेके बंद हो जाती है। ये अभी देखना आप, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी भाई। ये 80 क्रॉस कर गई है, ये बंद हो गई मशीन, 80 पे जाकर मशीन बंद हो गई है। देखिए आप, अब आगे प्रेशर नहीं जाएगा, अभी आगे प्रेशर नहीं जाएगा, मशीन बंद हो चुकी है। इसमें सबसे बढ़िया खासियत यह है, यह मशीन ऑटोमेटिक ऑटो कट मशीन है, मशीन प्रेशर लेके बंद हो जाती है, फटने करने का कोई चांस नहीं है इसमें। और ये बहुत फास्ट रिजल्ट देती है। अब 5 मिनट बबल रिमूवर में रखेंगे मशीन को, फोल्डर को हम मशीन के बबल रिमूवर में, तब तक हम आपको आगे की मशीनें दिखाते हैं हमारी। ये हमारी लेमिनेटिंग मशीन है, इसमें केवल लेमिनेटिंग होती है एयरबैग के द्वारा। यह हाइड्रोलिक ओसीए मशीन है, ऑल इन वन वाली, इसमें बबल रिमूवर, इसमें बबल रिमूवर, हाइड्रोलिक प्रेस, सारा सेटअप कंप्लीट है। यह मात्र बबल रिमूवर है, बहुत सस्ता बबल रिमूवर है। ये मात्र पंचिंग है, लेमिनेटिंग है, ओनली हाइड्रोलिक वाली लेमिनेटिंग है ये। और ये एयरबैग वाली ओशिये मशीन है जिसमें अभी हम फोल्डर बना रहे हैं। ये देखिए 5 मिनट के लिए हमने बबल रिमूवर में रखा है, पंचिंग कंप्लीट हो गई है हमारी लेमिनेटिंग के द्वारा। MI5A का सेट है वो, अब हम देखेंगे 5 मिनट बाद कैसा फोल्डर बनता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए प्रेशर पूरा 80 पे है और मशीन का बटन ऑन कर रखा है अभी तक हमने। हमें यह ध्यान देना है, जब मशीन का बटन, जब हम एयर रिलीज करेंगे तो उसके पहले हमें मशीन का बटन ऑफ कर देना है। तो पहले मशीन का बटन ऑफ कर देंगे, उसके बाद एयर रिलीज कर देंगे। इसमें पहले डोर एक्स्ट्रा लगा हुआ था, अब हमने इनबिल्ड कर दिया है, फोल्डर के ऊपर गिरने करने का चांस नहीं दिया इसमें। एयर रिलीज पूरा कर देंगे, अब हम डोर को ओपन करेंगे।
अब देखते हैं फोल्डर कैसा बना है हमारा। ये देखिए दोस्तों, आप देखिए फिनिशिंग देखिए इसकी, इस फोल्डर की आप फिनिशिंग देखिए, कहीं से कोई डॉट वगैरह कुछ है क्या? इस जगह पे आपको हल्का सा कोना दिखाई देगा, वो हमने ओशे लगाते समय पे हमने पहले बोला था कि ओशे लगाते समय भी ये स्पॉट रहा है यहाँ पे, उसके अलावा वो भी बहुत बारीक हो गई है, बारीक हो गया है, बहुत कम हो गया है। बाकी आप देखिए कहीं से कोई स्पॉट है क्या इसमें। ये बहुत सस्ती मशीन है, इसकी फिनिशिंग देखिए आप, कहीं से चारों कोनों से एक नंबर फिनिशिंग आती है इसमें। सबसे बेस्ट मशीन है। अब हम चेक करेंगे फोन में इसको, बैटरी लगाएंगे इसमें अब हम। और ऑन करेंगे, देखिए आप रिजल्ट। फोल्डर कहीं से डैमेज हुआ नहीं हुआ आप देखिए इस चीज को। इसका पैटर्न पता नहीं है हमें, हम इमरजेंसी पर चेक करेंगे। पैटर्न पता नहीं है इसका, ये कस्टमर का मोबाइल है। ओके पैटर्न पता नहीं है इसका।
हाँ जी अभी आपकी भैया से बात, ये देखिए आप पूरा कर ले फोल्डर, एक नंबर बना है MI5 एक आता है। ये इस मशीन के द्वारा हमने ये MI5 का फोल्डर तैयार किया है, बहुत सस्ती मशीन है और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। धन्यवाद।